वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू मानवी क्लासेस. दिस इज़ मोहित झा. आई होप आपने इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख के कंप्लीट कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाके कंप्लीट कीजिए, ताकि आज इस पार्ट में हम जो भी सीखेंगे उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हिस्टोरियोग्राफी पार्ट 4. सो लास्ट पार्ट में हमने तीन नोटेबल स्कॉलर्स किए थे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन रैंके एंड कार्ल मार्क्स. आज इस पार्ट में हम करने वाले हैं बाकी जो लास्ट तीन हमारे टॉपिक बचे हैं उनको, एनहिल स्कूल, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और माइकल फॉकाउल्ट. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, एनहिल स्कूल. सो फर्स्ट टॉपिक इज एनहिल स्कूल. एनहिल स्कूल वॉज स्टार्टेड एट 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में एनहिल स्कूल की स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फ्रांस में. उसको नाम दिया गया था एनहिल स्कूल. अभी एनहिल स्कूल इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है? एनहिल स्कूल इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने एक नई दिशा दी थी हिस्ट्री को. ठीक है, उसने क्या किया था, जो हमने वोल्टायर का पर्सपेक्टिव देखा हिस्टोरियोग्राफी के लिए, जो आपने नोटेबल स्कॉलर्स में पार्ट 2 में हमने जो वोल्टायर के बारे में पढ़ा, तो वोल्टायर ने क्या बोला था कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, के कौन सी सरकार कौन से साल में सत्ता में आई थी, क्या हुआ था, कौन से राजा ने किसको कब मारा था, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, ठीक है, उनकी फिलॉसफी, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर, ये सब के बारे में अगर हम बोले कि यही सब में हिस्ट्री है, इन्हीं सब चीज़ों में हिस्ट्री सिमटी हुई है, या फिर इन सब टॉपिक में ही अपनी हिस्ट्री इंटैक्ट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा. हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स पे नहीं चलती, ठीक है, सिर्फ घटनाओं पे नहीं सकती. कार्ल मार्क्स ने भी यही बोला था कि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज़ अबाउट पीपल. तो लोगों की जो आम मुसीबतें हैं, जैसे क्लाइमेट, ठीक है, लोकल पीपल, आम आदमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मींस कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन यानी जो सोसाइटी में डिवीजन्स होते हैं बेसिस अमीरी गरीब को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, उसके बारे में सोशल डिविजन्स, और इन सब की कलेक्टिव साइकोलॉजी. साइकोलॉजी मीन्स योर थिंकिंग प्रोसेस, हाउ डू यू थिंक, साइकोलॉजी, ये सब कैसे सोचते हैं, इन सब का क्या रूल रहा है हिस्ट्री में, ये सब हमें एनहिल स्कूल में, एनहिल स्कूल ने इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों को एक नया डायरेक्शन दिया था. फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच हिस्टोरियंस ने इसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया था. नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. जैसे हम सबको पता है कि फेमिनिज्म आजकल के टाइम का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा डिस्कशन डिबेट चलता रहता है फेमिनिज्म पे. हाल ही में मी टू ट्रेंड हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है फेमिनिस्ट्स बेस्ड है, तो हिस्ट्री में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है. नाम याद रखना है साइमन डे बेवर, ठीक है, साइमन डे बेवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है हिस्टोरियोग्राफी में, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में. इसका क्या मतलब क्या होता है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? इन्होंने क्या कहा था कि आज जितना हमने हिस्ट्री पढ़ा है आज तक के टाइम पे, वो सारी हिस्ट्रीज जो है वो सब मेल डोमिनेटेड हिस्ट्रीज पर्सपेक्टिव को लिखी गई है. ठीक है, आज तक आपने अपने इतने सालों में जितना भी हिस्ट्री पढ़ा है, आपने वो सारी हिस्ट्री एज अ मेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ी होगी, एक मेल पैट्रियार्की के हिसाब से पढ़ी होगी. उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन वुमेन्स के बारे में नहीं होता है, ज़्यादा हिस्ट्री में वुमेन्स को, फीमेल्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों नहीं, मेल एंड फीमेल बोथ हैव पुट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री दैट वी लर्न टूडे. बट हमारा जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है वो हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड रहा है. तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या बोला है कि फीमेल्स के हिसाब से या फिर फीमेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना है. ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, क्योंकि अब तक हिस्ट्री मेल डोमिनेट पर्सपेक्टिव से होता आया है,
अभी हमें हिस्टोरियोग्राफी को रिस्ट्रक्चर करना है किसके पर्सपेक्टिव से, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से। जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए वुमेन्स लाइफ एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ देयर कॉजेज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में वुमेन्स ने खुद किया है, बट उनका कहीं भी नाम नहीं है। ठीक है, आफ्टर 1990 हिस्टोरिकल राइटिंग्स में वुमेन्स को एज अ सोशल क्लास इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले वुमेन्स वर ओनली एसोसिएटेड विद दी मेल्स। ठीक है, या तो अपने डैड के साथ या तो अपने हस्बैंड के साथ, दे वर नॉट एज अ सोशल इंडिपेंडेंट क्लास। बट आफ्टर 1990 थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। सो नेक्स्ट इज माइकल फॉलकाउट। बर्थ डेट 1926, डेथ डेट 1984। इन्होंने फ्रांस में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस लाया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी थे ये। फ्रांस में पैदा हुए थे, 20th सेंचुरी। बहुत ही फेमस बुक लिखी है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसमें उन्होंने क्या बोला है, द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। प्रिवेलिंग मीन्स मतलब पुराने टाइम से जो प्रैक्टिस चली आ रही है कि हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, टाइम लाइन में अरेंज करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को, क्रोनोलॉजिकल इवेंट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये राइट नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। ट्रांजिशन इन द पास्ट, अभी इन्होंने इतना जो लंबा चौड़ा लिखा उसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है? इनका क्या कहना था कि हाँ, हिस्टोरिकल ट्रूथ आपको जानना है, हिस्टोरिकल फैक्ट आपको जानना है, तो ठीक है, आर्कियोलॉजी करना है, आर्कियोलॉजी से आपको चीज़ें मिलेंगी, उससे आपको हिस्टोरिकल ट्रूथ्स के बारे में पता चलेगा, इवेंट्स के, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलेगा, फिर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, तो आपको एक हिस्टोरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन मिल जाएगा। ये उनका कहना था। बट उन्होंने क्या बोला कि एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट ही कॉल्ड दिस मेथड एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि क्या हुआ है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, है बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि क्यों हुआ है। ठीक, जैसे हमको पता है कि बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए हैं पास में, तो रिवॉल्यूशंस आए ये सब हमें आर्कियोलॉजी से पता चला है, आर्कियोलॉजी में चीज़ें खोद खोद के मिली हैं हमें, फिर हमने उसको हिस्टोरिकल इवेंट्स में अरेंज किया, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में, फिर हमें इवेंट्स के बारे में पता चला, तो हमें कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजी से यह पता चल गया है कि वो क्या हुआ है, बट ये नहीं पता चल पाया कि वो क्यों हुआ है। तो माइकल फॉकआउट का यही कहना था कि क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, बट क्यों हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे आइडिया क्या था, उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये सारी चीज़ें हमें ट्रांजिशन ऑफ हिस्ट्री से पता चल सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि क्या हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना क्यों हुआ है इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे ही ये था हमारा हिस्टोरियोग्राफी पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे हिस्टोरियोग्राफी और एक्सपांड हुआ, लिटरेचर आया उसमें, आर्किटेक्चर आया, लिटरेचर यानी बुक्स, राइटिंग, आर्किटेक्चर आया, आर्किटेक्चर यानी कि हाउ द बिल्डिंग हैज फॉर्म्ड, कैसे क्या बनाया, कैसे बनाया है, स्कल्पचर्स आए, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, ड्राइंग्स, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हिस्ट्री हिस्टोरियोग्राफी में एंटर करने लगी, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें हिस्टोरियोग्राफी में इंक्लूड होते रहेंगे। होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको ये इंजॉयबल एंड इंफॉर्मेटिव दोनों लगा होगा। सो आई हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। टेक केयर।